हम आपके सामने लेकर आए। और इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं बात करूंगा एक ऑफर के बारे में। अभी कंपनी ने 15 तारीख से फिर कंबुचा पर ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें 14 कंबुचा आपको परचेज करना है, 2 कंबुचा आपको फ्री मिलती है। यानी कि एक INP कोड है, INP001। इस कोड के तहत अगर आप लेते हैं तो आपको एक 16 का पैक मिलता है, 16 कंबुचा का। उसमें आपको जो पे करना होता है वो 14 कंबुचा का करना होता है, यानी कि 1610 रुपये में आपको एक 16 कंबुचा का आपको पैक मिलने वाला है। और ये वो बहुत बेहतरीन शानदार ऑफर है, पहले भी ये ऑफर चला था और काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया था। उसी को देखते हुए दीपावली के जो ये फेस्टिव मंथ है, इसके उपलक्ष्य में हम कंपनी फिर एक बार आपके सामने लेकर आई है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस ऑफर का फायदा उठाएं अपने टीम्स में, और स्टॉकिस्ट से ये ऑफर मिलेगा आपको। स्टॉकिस्ट या ब्रांच, जहां पर भी ब्रांच है स्टॉक फंड से, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। ध्यान रहे कोड में ही लेना है, INP001 में, और एक साथ परचेस करना है आपको सिंगल बिल पर कंबुचा, राइट। चलिए आज के एपिसोड के बारे में थोड़ा बात किया जाए। आज का जो एक खास कार्यक्रम है, यह है एक ऐसी सफलता की कहानी या एक ऐसी महिला की कहानी आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो 7वीं पास है, 7th क्लास उन्होंने पास किया है, और एक स्वयं सहायता समूह में काम करती थी। और उनका जो मंथली इनकम था, मासिक जो आय था, वो सिर्फ 550 रुपये था। फिर उनकी लाइफ में, जैसा कि कल आपने एक एपिसोड देखा था, तो सुमित जी आए, उन तो सुमित जी और उनकी मम्मी इन्हें से उनकी मुलाकात हुई और उनको डीएक्शन के बारे में बताया और उनको आश्वस्त किया कि अगर आप 5 से 6 महीने अगर अच्छे मन से आप तो इसमें काम करते हैं, तो नेचुरली आप 4 से 5 हजार रुपये से ज्यादा का इनकम आप महीने में जनरेट कर सकते हैं। और उसी बात को लेकर, उसी प्रेरणा से उन्होंने काम किया और 6 महीने बाद अच्छे रिजल्ट आए। फिर उन्होंने डीएक्सएन के माध्यम से, डीएक्सएन के बोनस से इन्होंने पहला जो अचीवमेंट किया, जो परचेस किया, एक मिक्सी था। फिर उसके बाद इन्होंने परचेस किया एक शानदार स्प्लेंडर कार। और अब जो इनका आगे का जो कहते हैं ना लक्ष्य, हम जो लक्ष्य होते हैं हमेशा, जो टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं हमेशा छोटे छोटे होने चाहिए, 4 महीने 6 महीने, साल भर में, 2 साल में। उन्होंने ऐसी छोटी छोटी जो गोल्स सेट किए अपनी लाइफ में, कितना खुशी हुआ होगा आप सोचिए, जब एक डीएक्सएन सीन के घर में मिक्स आया। फिर इनकी और चाहत बढ़ी, और अच्छे से काम किया। फिर उन्होंने एक अच्छा बाइक परचेज किया। और अब जैसा कि मैं इनसे बात किया, तो उन्होंने बताया कि हम अभी बहुत जल्द नवरात्राओं के बाद धनतेरस पर या जो हम एक 90 हजार रुपये का लैपटॉप परचेज करने वाले हैं। आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं इसके लिए। और अभी इनका इनकम अप्रोक्स सिर्फ 40 से 50 हजार रुपये महीना है। तो आइए मिलते हैं ऐसी एक सफल कहानी की सफल नायिका के साथ, और वो कोई नहीं, स्टार डायमंड संगीता देवी जी। बहुत बहुत स्वागत मैम, अभिनंदन आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। हमारे इतना अच्छा से आप बताए सर, उस टाइम तो हम नहीं थे, लेकिन हमको बनाने का काम किए हैं श्रीमती बसंती देवी और सुमित भैया, उन दोनों को सत सत नमन और प्रणाम करती हूँ। मेरा जो आगे का आने वाला 1 घंटा आपके लिए है। आप जी अपनी सर, कहानी शुरू कर सकते हैं। अब 1 घंटा ये 45 से 50 मिनट आप हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि आपने डीएक्सएन में कैसे आए, डीएक्सएन में किस तरह आपने काम किया, क्या क्या अचीव किया, और आगे आपको और क्या क्या डीएक्सएन से चाहिए, ये सारी बात हम आने वाले 50 मिनट में आपसे सुनने वाले हैं। ओवर टू यू मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम है संगीता देवी, जी, गुड मॉर्निंग। घर केवाल ग्राम आउटपोस्ट घीवही, थाना बिल्डंग जिला सोनभद्र के रहने वाली निवासी हूँ। इस मिशन में हम भी आए थे तो अपना स्वास्थ्य को ही लेकर के आए थे। हम तो काम करते थे सर, लेकिन मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका था। इसी के वजह से हम एक तो बीमार रहते थे, और दूसरी बात कि मेरे पास जबरदस्त तरह से गरीबी भी था। कहा जाए तो मेरा तो शादी हुआ था, जो गरीब दीदी भैया लोग रहते हैं वो अपना बच्चे लोग के गरीब घर शादी करते हैं। तो मेरा मम्मी मामा माता पिता जो थे, मेरा फैमिली लोग जो थे, मायके वाले जो लोग थे, तो हमको अच्छा शिक्षा वहां से नहीं मिला था, क्योंकि हम गरीब के लड़की थे। और गरीब रहने के कारण जो मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ था सिर्फ 7वां क्लास तक हुआ था।
इसी बीच मेरा बचपन में जब शादी हो जाता है, तो जब यहाँ पर हम आते हैं तो मेरे साथ गरीबी और बीमारी दोनों लग जाता है। और पढ़ाई लिखाई के बात किया जाए तो मेरा अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं था, इसलिए कोई नौकरी नहीं था, लेकिन पहले के समय में एगो काम मिल चुका था, जो कि हम समूह में काम करते थे, 12 गो समूह को देख रेख करते थे, और हमको सिर्फ पैसा मिलता था 550 रुपया। और उसमें हमको इतना मेहनत करना पड़ता था, इतना मेहनत करना पड़ता था कि ना तो समय से कभी हम खाना नहीं खाने पाते थे, और बीमारी तो मेरे साथ इतना लग चुका था जो अंदरूनी समस्या मेरा था, जिससे कि गैस कब्जियत हो गया, थकान कमजोरी हो गया, आलस सुस्ती हो गया, और ब्लड का कमी हमेशा रहता था। और जो महिला लोग के अंदरूनी समस्या होता है, सभी दीदी भैया लोग समझते हैं कि अंदरूनी समस्या क्या चीज होता है, इस प्लेटफार्म पर आने के लिए हम कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे भैया, लेकिन हमको लाने वाले एक तरफ से कहा जाए तो मेरे जीवन में भगवान के रूप से मुलाकात होता है। जब हम अपना मायके में जाते हैं 2018 में, तो वहां पर सफलता का कहानी हम नहीं सुनने जाते हैं, और इस प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में हमको कुछ नहीं पता था। मेरा मायके तो था भवनाथपुर में, और हम भी अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि मेरा जो सीनियर का घर है, मेरा जो गुरु का घर है, भवनाथपुर में था। और कोई ना कोई दीदी भैया हमारे हस्बैंड से बताते हैं, डीएक्शन में लानने वाले हमारे हस्बैंड है, उनको भी सत सत नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। जब 2018 में हमारे हस्बैंड किसी के माध्यम से जाकर के मीटिंग सुनते हैं, तो सफलता का कहानी इतना अच्छी तरीका से दीदी बता रही थी कि दीदी को तो नाम है बसंती देवी, लेकिन कहा जाए तो एक और नाम है कि औठा छाप। जब औठा छाप दीदी हो करके उस समय पैसा छाप रही थी, पोस्ट था डायमंड का और 35,000 इनकम था। जब हमारे हस्बैंड 3 घंटा का मीटिंग सुनते हैं तो पूरा दिमाग का ढक्कन वहीं पर खुल जाता है। और जब वहां से आते हैं तो हमको बताते हैं कि बताइए, जब अनपढ़ दीदी हो करके कर सकती है तो आप तो कुछ पढ़ल लिखल है, जब दीदी कर सकती है तो आप भी कर सकती है। और वहां से कहा जाए तो मेरा दो लड़का है, एक लड़कियां है, और बीमारी के कारण हमेशा हम मायके में रहते थे, लेकिन कहा जाता है कि पैसा रहता है तो दुनिया सलाम ठोकता है, और पैसा नहीं रहता है तो अपना माँ पिताजी भी भूल जाते हैं। वहां जब हम रहते थे तो हमको बहुत टॉर्चर मिलता था, बहुत ताना मिलता था, लेकिन अपने आप अंदर हम घुट घुट करके रहते थे। और कहा जाए तो कैसन दिन जो होता है उस, वहां पर हम रहते थे तो हम एक लग जरूर हमको आंख से आंसू चूता था कि शायद अगर हमारे माँ पिताजी अमीर व्यक्ति रहते तो हमको अमीर घर शादी करते, तो आज हमको यहाँ आने का नैबत नहीं मिलता। इसी तरह से जब मीटिंग सुनते हैं, मीटिंग सुनने के बाद इस मिशन में लाने वाले हमारे सुमित भैया और बसंती दी जहाँ भी हैं, उनको गुड सत सत नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। हमको हर पल दुख में भी हमको बहुत साथ दिए, सुख में भी साथ दिए, और हम उन लोग का हर पल सिखाते हैं। आज हम लोग का ये दुनिया में नहीं है, के अग्रवाल दादा जहाँ भी है उनको सत सत नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ, लेकिन आज हम ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग का दादाजी छोड़ के चले गए। जितना हम लोग का दादाजी बात बता करके गए हैं, यूएसबी सिस्टम बना करके गए हैं, उस सिस्टम का जितना दिन हम जियत रहेंगे, जीवन भर दादाजी को सिस्टम को बातों का पालन करूंगा, और वही रास्ता जिसे जिसे बता करके गए हैं वही रास्ता पर चलेंगे। इस बिजनेस में हम अपना दिमाग, आज तक हमको 3 साल हो गया, लेकिन 3 साल के अंतर्गत अपना दिमाग हम कभी नहीं लगाए हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी मेरा कम है, और हर पल हम लोग का जितना दादाजी सिखा के गए हैं, हमारे गुरु अरविंद भैया और रोशन भैया के दे करके गए हैं, उनको भी सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम लोग का कहा जाए तो हम जब डीएक्शन में नहीं आए थे तो हमको इतना पता नहीं था कि डीएक्शन के फैमिली लोग इतना मतलब सपोर्ट करते हैं। हम अपने आप के भाग्यशाली समझते हैं कि जो हमारे माता पिता जन्म दिए, जो हमारे जो खून का भाई है, उतना हमको अपना भाई से, अपना पिताजी से जितना हमको सपोर्ट नहीं मिला, उतना डीएक्शन के भाई बहन से सपोर्ट मिलता है, गुरु से सपोर्ट मिलता है। जितने भी हमारे डीएक्शन के अपलाइन है, गुरु है, उनको सत सत नमन और प्रणाम करती हूँ। इसके बीच जब मीटिंग सुनते हैं, और मीटिंग सुनने के बाद हमारे हस्बैंड बोलते हैं, बोलने के बाद हम लोग अपना मायके से घरे आ जाते हैं। और जब आते हैं घरे, तो 2018 में ना तो हम
मीटिंग तो सुन लिए थे, जानकारी हो गया था हमको, 100% विश्वास था, क्योंकि हम गरीबी के दलदल में फंस चुके थे, हम जीवन को जी नहीं रहे थे, किसी तरह से घीत तिर के हम जीवन को काट रहे थे। और कहा जाए तो आज हमारे साथ हमारे लड़का है, इनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ, हमको हर पल सपोर्ट मिलता है। हमारे लड़का, हमारे हस्बैंड हमेशा प्लांट में रहते थे, कभी हम मेरे साथ नहीं रहते थे। और जितने दीदी भैया लोग हमारे बात को सुन रहे हैं, दी खुद से सोचिए, अभी दशहरा है, छठ पूजा आएगा, दीपावली आएगा, लेकिन बनाया गया है कि हम लोग का साथ में रहने के लिए, लेकिन पैसा ये चीज होता है दीदी कि हम लोग कोई त्योहार हम लोग अपना घरे में मनाते हैं, और हम लोग का बेटा हो गया, हस्बैंड हो गया, उन लोग बाहर त्योहार मनाते हैं, लेकिन जिस दिन डीएक्शन के बारे में समझ जाइएगा दीदी, उस दिन बाहरी जाने का किसी का जरूरत नहीं लगेगा। हम लोग थोड़ा सा भी पैसा अगर डीएक्शन में कमाएंगे दीदी, तो यहाँ हम लोग खुशी का पैसा कमाएंगे, हम लोग एक साथ रह के काम को कर सकते हैं, और एक फैमिली बिजनेस है। वहां से जब मीटिंग सुनते हैं, सुनकर आते हैं अपना घरे, तो कहा जाता है कि बाहरी दुनिया में आपको पैर धर के खींचने वाला 36 गो लोग मिलेंगे, लेकिन डीएक्शन के भाई बहन यहाँ पर तो हाथ धर के निकाल देते हैं। और उसी तरह मेरे साथ भी हुआ, जब मीटिंग सुनते हैं, सुनने के बाद 2018 में ना तो हम प्रोडक्ट लेते हैं, ना ज्वाइनिंग कराते हैं, ना कार्ड बनवाते हैं, पूरा सुन जान करके हम लोग चुपचाप लगा देते हैं। और नतीजा होता है कि हमारे हस्बैंड तो मीटिंग सुने थे, लेकिन सुन करके चुपचाप लगा दिए थे, इसलिए कि हर एक गांव में चुगलखोर आदमी रहता है, किसी के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ सोचता है कि हमारा दाल रोटी कैसे चलेगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, कोई किसी के भला के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में हमको इतना अच्छा लगता है कि यहाँ तो एक रियल रिश्ता है, कि सिर्फ भाई और बहन का रिश्ता है, और दूसरा खुद से हम लोग का गुरु कमाते हैं, और अपना आगे के बारे में सोचते हैं, अपना भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग का भी आगे का भविष्य के बारे में, करियर के बारे में, हम लोग के बारे में भी हर पल सोचते हैं। और जब 2020 होता है, 2 साल हम समय गवा देते हैं, कहा जाता है कि बिना भगवान के मर्जी के बिना एक पता नहीं डोलता है, उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ, हमको 2 साल पहले तो मिला था, लेकिन उस समय नहीं हम समझे, और भागो डीएक्शन, डीएक्शन प्रोडक्ट के लिए मैं सत सत नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि फिर दोबारा हमको जीवन में मिलता है तो डीएक्शन से मुलाकात होता है। और जब हमारे हस्बैंड मीटिंग सुनने जाते हैं, तो मेरे घर कहा जाए तो सोने के लिए एक आठा चारपाई नहीं था, बहुत हम गरीब व्यक्ति थे, बहुत गरीब फैमिली घर से बिलोंग करते थे, और मेरा जो जीवन था, हम मतलब कि अपना जीवन को हम घूट घूट करके रहते थे, और कहा जाए तो कहीं भी काम लग जाता था, जैसे कि धान कटाई, जब धान कटने लगता था, धान का रोपाई होता था, किसी का गेहूं काटने चल जाते थे, कहीं रोड में काम लग जाता था तो चल जाते थे। अगर आप नहीं कीजिएगा दीदी भैया लोग, तो आप को खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि बड़े बड़े नहरा पोखरा भर जाता है, लेकिन छोटा सा पेट लोगों का कभी नहीं भरता है। अगर हम लोग कहीं रास्ता में भी चलते हैं, तो अपना पेट के लिए सोचते रहते हैं कि आज मेरे घर यह चीज नहीं है, तो कल वह चीज नहीं है, इस तरह से होता है कि नहीं, वही स्थिति मेरे साथ भी था। और जब नंबर हमारे हस्बैंड लाते हैं 2020 में, हम फोन लगाते हैं दीदी के पास, अपना हस्बैंड से हम नंबर मांगते हैं कि आप मेरा समय को बर्बाद कर दिए, गवा दिए, आप हमको पैसा दीजिएगा तब और नहीं दीजिएगा तब, सिर्फ आपसे हमको नंबर चाहिए, और आप हमको नंबर दे दीजिए, अगर हम किसी को काम भी करेंगे तब मेरे पास पैसा हो जाएगा, हम खाएंगे तो डीएक्शन का प्रोडक्ट खाएंगे, नहीं तो इंग्लिश दवा एक दाना नहीं खाएंगे, क्योंकि हम इंग्लिश दवाई जब खाते थे तो खात पियत भर हम सही रहते थे, और जहां हम छोड़ देते थे, जहां मेरा बीमारी रहता था वहीं पर हम हो जाते थे, मैंने कहा जाए तो इंग्लिश दवा से हम चारों कर से उग चुके थे। आज अगर हमको डीएक्शन प्रोडक्ट नहीं मिलता, मेरे जीवन में बसंती भी नहीं आती, तो आज यहाँ पर हमको बोलने का मौका नहीं मिलता, ये सब आज जो भी हमको बोलने का मौका मिल रहा है वो सिर्फ गुरु का देन है, बसंती दीदी का इसमें सहयोग है, सुमित भैया का सहयोग है, और रोशन भैया का सहयोग है, और अरविंद भैया का सहयोग है, इन चारों के लिए मैं फिर से नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि हमको हर पल अपन बहन के जैसा सिखाते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। और जब बात होता है बसंती दीदी से, तो हमको यकीन नहीं होता है कि मतलब वो कोई दूसरा दीदी है और हम कोई दूसरा दीदी है, अपन पूरा बहन के तरह, पूरा दुख सुख में जब शामिल हो जाती है, पूरा पूछती है
कि आप क्या चीज करती है दीदी, किस तरह से आपका घर खर्चा चलता है, बच्चे लोग कै गो है, पूरा एकदम अपना, जिस तरह से बसंती दीदी के पास गरीबी और बीमारी था उस तरह से मेरे पास भी था। और दीदी से पूरा हम खुल करके बता देते हैं, और जब बताते हैं तो दीदी हमको कस करके मेरा हाथ को पकड़ लेती है और अपना हाथ हम गुरु को हाथ में दे देते हैं कि दीदी आप जैसे बताइएगा उस तरह से करेंगे, आपका बात का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर आप अभी दिन है तो आप बोलिएगा कि आपको रात मानना पड़ेगा, तब मानने के लिए तैयार है, हर पल तैयार है, आप सिर्फ हमको रास्ता दिखाइए। और 2020 में हम जब बात विचार होता है तो पैसा नहीं रहने के कारण हम इसमें बात विचार करने में 2 महीना 3 महीना समय बर्बाद कर देते हैं। कहा जाता है कि गरीब आदमी के पहचानने के लिए भी लोग भुला जाता है, गरीब आदमी के कोई कर्ज देने के लिए भी लोग नहीं तैयार होता है। उसी तरह से मेरे साथ भी था, इधर उधर बहुत हम पैसा लहाते हैं, नहीं मिलता है, लेकिन हम हार नहीं मानते हैं। हम सोचते हैं कि आज तो मेरा जीवन है, किसी तरह से समूह में काम करके 500 रुपया मिल जाता है, और किसी को बनी मजदूरी करते हैं, पैसा हम कमा लेते हैं, लेकिन आज अपने बच्चे के बारे में अगर नहीं सोचते हैं तो आज तो मेरा किसी तरह से जीवन घिस तीर के चल रहा है, लेकिन आने वाला समय में हम अपना बाल बच्चा को ये जिंदगी नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये जिंदगी अगर हम छोड़ के भी मर जाते हैं तो हमको पाप लगेगा। इसलिए कि हम जब 10 महीना अपना पेट में पाल पोस के हम जन्म करके बड़ा कर सकते हैं, तो हमारे बच्चे लोग के कर्म बनाने के लिए कोई नहीं सोचेगा, सोच सकते हैं तो सिर्फ हम सोच सकते हैं। और हार नहीं मानते हैं, पैसा लहाने में लग जाते हैं, और हार जब नहीं मानते हैं फिर किसी तरह से समूह में पैसा लेते हैं, कुछ इधर उधर से लहाते हैं, और लहाने के बाद जैसे मेरे पास पैसा होता है, मेरे पास इतना अंदरूनी समस्या था कि आज तो दीदी भैया लोग के जब चाय स्पायरोलिना के बारे में हम लोग बताते हैं, शेयर करते हैं, फायदा को बताते हैं, तो कितना दीदी लोग का बका जाती है कि प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन खुद से सोचिए भैया दीदी लोग कि अगर हम लोग का बड़ा बड़ा बीमारी लग जाता है, हम लोग का लाखों करोड़ रुपया का शरीर है, हम लोग जब घर पर इतना ध्यान देते हैं, सुबह उठते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, पूरा घर को सर सफलाया करते हैं, लेकिन हम लोग का लाखों करोड़ का शरीर है, हम लोग ऊपरे से नहा धोवा करके हम लोग का शरीर का साफ सफाया कर देते हैं, लेकिन जो अंदर का हम लोग हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से जो दिन प्रतिदिन हम लोग जहर ले रहे हैं, ये सब नहीं है। जो हम लोग का डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब के पास कोई ऐसा दवा नहीं है कि जो जहरीले पदार्थ को निकाल सकता है, जो सर सफलैया कर सकता है, लावता एक ही ऐसा प्रोडक्ट है। हम लोग के बीच इतना प्रोडक्ट बनाया है, डाटो डॉक्टर लीम सियोजिन, उनको भी सत सत नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि आज ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि यहाँ से अगर प्रोडक्ट को मीटिंग में जा करके समझ करके, अगर गुरु को बात मान करके अगर प्रोडक्ट को खाएंगे तो मेरा घर से तक बीमारी के नाम कहा जाए तो बीमारी के नाम खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज हम 3 साल से लगातार प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और 3 साल के अंतर्गत डॉक्टर के पास से हम लोग छुटकारा हो गए। डॉक्टर का दवाई 1 रुपया के मेरे घर में कोई कोई दवाई नहीं आता है, कोई गोली नहीं आता है, सिर्फ हम लोग खाते हैं डीएक्शन का प्रोडक्ट। और उसी बीच जब पैसा मेरे पास हो जाता है, और होने के बाद समूह का उस दिन मीटिंग है रहता है, और मीटिंग जमा करने से पहले अपने गुरु को फोन करते हैं कि दीदी मेरे पास पैसा हो गया है, आप प्रोडक्ट हमको ला करके दे दीजिए। और दीदी आती है या प्रोडक्ट, सारा प्रोडक्ट लेकर के आती है। उस समय जो मेरा अंदरूनी समस्या था, हम 3,000 के एक बार प्रोडक्ट लिए थे, क्योंकि अगर एक दो को प्रोडक्ट खाते तो हमको जल्दी नहीं फायदा मिलता और जल्दी हमको रिजल्ट नहीं मिलता, तो आज हम जल्दी पैसा भी नहीं कमाते, हमको पैसा कमाने का बहुत भूख था। और जब दीदी आती है तो कहा जाता है कि कोई गांव में अगर नए नए मेहमान आते हैं तो आप 10 गो के बताइएगा, लेकिन देखा देखी लो वहां 20 गो आ जाते हैं, 25 गो लोग आ जाते हैं। उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ, जब समूह का मीटिंग हम कराना चालू करते हैं, दीदी को बुलाते हैं, तो समूह का दीदी लोग, हम लोग तो 10-20 गो आगे से थे, लेकिन जब हमारे गुरु आती है श्रीमती बसंती दीदी, फिर से उनको सत सत नमन और प्रणाम करती हूँ, और जब दीदी आती है तो पूरा और गांव घर के लोग आ जाते हैं देखा देखी। और जब दीदी आती है तो हमको तो 2 साल से विश्वास था कि प्रोडक्ट सही है, मेरा कंपनी सही है, मेरा सिस्टम सही है, तो इसमें डिसीजन लेकर के और गुरु का बात मान करके हमको काम करने का जरूरत है। अगर हम मीटिंग सुने हैं तो अगर गांव वाला से सलाह लेने जाएंगे, अपना हस्बैंड से सलाह लेंगे, अपना बच्चे लोग से सलाह लेंगे, तो कभी हमको नहीं कहेंगे कि आप मम्मी डीएक्शन को शुरू कीजिए,
रिएक्शन को स्टार्ट कीजिए। इसलिए ऐसा होता है कि मीटिंग सुने हैं हम, अगर उन लोग से सलाह लेना है तो उन लोग का मीटिंग में लेकर के जाना पड़ेगा। और उसी तरह से मेरे साथ भी होता है, और जब दीदी आती है तब बहुत गांव घर वाला दीदी लोग कहते हैं कि पहले आप प्रोडक्ट लेकर के खाइए, सही हो जाइए, पहले आप पैसा कमाने लगिएगा, पहले आपका जिंदगी बदल जाएगा, तब हम लोग पीछे पीछे आएंगे। तो कहा जाता है कि अगर सब कुत्ता काशिए चल जाएंगे तो पतल चाटने वाला भी चाहिए। फिर हम किसी से हम इंतजार नहीं करते हैं, राय सलाह नहीं लेते हैं, एगो आधार कार्ड के 2 और 1/2 फोटो देते हैं सुमित भैया को, और मेरा कार्ड बनता है, ज्वाइनिंग होता है, और सारा प्रोडक्ट को हम ले लेते हैं। जब हमारा कार्ड बनता है और प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उसी दिन मेरा फ्रंट में एक और दीदी का ज्वाइनिंग हो जाता है, वो कोड फ्री ज्वाइनिंग होता है। जब ज्वाइनिंग होता है, कोई दीदी साबुन लेती है, कोई पेस्ट लेती है, कोई चाय लेती है, तो हमको हौसला बढ़ जाता है, हम सोचते हैं कि आज शुरुआत हम किए, अब हम भी प्रोडक्ट लिए, और मेरे साथ एक दो को दीदी और ले लिए, तो वहां से हमको हौसला बढ़ जाता है। और जब प्रोडक्ट लेते हैं, तो जब प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट खाने पीने का तरीका जो बसंती दी बताती है कि दीदी जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से आप प्रोडक्ट खाइए, आपको आग बकाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश दवा कराते हैं तो वहां पर खाएंगे पियेंगे तब तक सही रहेंगे, और जहाँ हम लोग का दवाई छूट जाता है वहां जहाँ बीमारी रहता है वहीं पर पहुंच जाता है। हम लोग कोई नॉर्मल भी बीमारी लेकर के जाते हैं आज के समय में दीदी, तो वहां पर लगभग में अगर आप सर दर्द आपका कर रहा है, कमर में दर्द है, गैस कब्जियत है, इतना ही छोटा छोटा समस्या अगर अभी हम लोग डॉक्टर के पास लेकर के चल जाते हैं तो बहुत कम, और नहीं तो 2,000 की दवाई होता है, 2,000 की उन लोग दवाई गोलियां दे करके सुई लगा करके बैठा देते हैं। और फिर इतना आज तक ले जितने भी हम लोग मीटिंग को सुन रहे हैं दी, जितने हम लोग भाई बहन जुड़े हैं, आज तक ले हम लोग इतना डॉक्टर के पास इलाज कराए, जहां तक कि गाना भी बेचा जाता है, खेत रहन रहन भी धरा जाता है, खेत भी बेचा जाता है, लेकिन इतना हम लोग बेच बेच करके इलाज करा, लेकिन का डॉक्टर साहब के एक बार फोन आता है, नहीं फोन आता है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, कहा जाता है कि आप 10 रुपया भले ले लीजिए लेकिन आपको ज्ञान नहीं देंगे। और उसी बीच जब प्रोडक्ट को खाने पीने लगते हैं, शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट का, इसमें कहा जाता है कि अगर जो दीदी ज्यादा गरीब जो दीदी ज्यादा मतलब बीमार रहते हैं, जो दीदी कमजोर रहते हैं, जो भैया लोग कमजोर रहते हैं, उसी को हल्का फुल्का धर के बढ़ा देता है, सभी कोई के नहीं बढ़ाता है। तो उसमें बीच में होता क्या है कि जब हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ नहीं रखना चाहिए इसको, जब हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट को जब 20 दिन लगातार इस्तेमाल करते हैं, स्पायरुलिना या स्पाइस टी उसका 20 दिन का डोज रहता है, और जब हम सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, चाय का जो पानी रहता है, दीदी बताती है कि चाय भी बना के पीना है, चाय पत्ती को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल देना है, दिन भर में 3-4 लीटर पीना है, लेकिन उस समय हम भी गलती करते हैं, क्योंकि शुरुआत में हर इंसान से गलती होता है, कोई एक बार में नहीं सीखता है, और हम सब दिन इंग्लिश दवाई को इस्तेमाल किए थे, तो वहां पर दीदी बताती है कि आप 2 डिब्बा पीजिए, 4 लीटर पीजिए, 5 लीटर पीजिए, आपको जितना मन करे उतना पीजिए, ये आपको नुकसान नहीं करेगा फायदा करेगा। अब हम क्या करते थे कि 1.5-2 लीटर से ज्यादा नहीं पीने पाते थे, और गर्म चाय बना करके पीते थे। अब मेरे साथ क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट को खाना स्टार्ट करते हैं तो मेरे साथ बढ़ा देता है, और जब बढ़ाता है तो हम अकबकाते नहीं है, क्योंकि जो हमारे गुरु है वो शेर है, शेर के बच्चा शेरे होता है, सियार नहीं होता है, तो हम शेर के बच्चा थे, हम अकबकाते नहीं है, अपना दीदी के पास फोन लगाते हैं, और जब फोन लगाते हैं तो दीदी बोलती है कि अकबकाइए मत, आपको बढ़ाया है तो जड़ से खत्म करेगा। और जैसे ही बढ़ाता है, जो प्रोडक्ट मेरे साथ खत्म हुआ था वो प्रोडक्ट दीदी के पास फोन लगाते हैं और प्रोडक्ट को मंगा लेते हैं, और जब प्रोडक्ट को मंगाते हैं तो पूरा बढ़ा बढ़ा करके खाना चालू कर देते हैं, जिससे कि स्पायरोलिना खा रहे थे 3-3 गो, उसको 6-6 गो खाने लगे, और जो इसमें नोनी जूस आता है, जो मेरा अंदरूनी समस्या था, हम नोनी जूस को भी इस्तेमाल किए थे, उसको भी बढ़ा दिए, चाय को मात्रा बढ़ा दिए, मैंने जितना भी प्रोडक्ट था वो हम धर के थोड़ा थोड़ा जब बढ़ा के 2-3 दिन खाए, हमको बढ़ाया था सर्दी के माध्यम से, बुखार के माध्यम से, और दर्द उरद के माध्यम से बढ़ा दिया था। लेकिन खुद से सोचिए दीदी कि जो इंग्लिश दवा हम लोग कराते हैं तो बीमारी को दबा देता है, बीमारी को बढ़ाता नहीं है, लेकिन रिएक्शन के प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट काम करता है तो बीमारी को पूरा एकदम धर के बढ़ा देता है, और बढ़ाता है तो हम लोग का टेंशन फ्री हो जाना चाहिए।
जब बीमारी बढ़ता है तो बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए बढ़ता है। उसी बीच मेरे साथ भी होता है, और कंटिन्यू जब हम प्रोडक्ट को धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा करके खाना चालू करते हैं, इसमें हमको जो अंदरूनी समस्या था, भैया दीदी लोग बताए थे कि आपको साल भर 6 महीना प्रोडक्ट खाना पड़ेगा, लेकिन खुद से सोचिए दीदी कि साल भर 6 महीना प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट खाने का 2 गो रास्ता है। अगर आपके पास पैसा है तो अपना जेब से पैसा लगा लगा कर महीने महीने आप प्रोडक्ट को खा सकती है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक दूसरे को अपना जो प्रोडक्ट खाए हैं, जो फायदा हुआ है, मान लीजिए आपका गैसे कब्जियत में फायदा हुआ है, थकान कमजोरी में फायदा हुआ है, ब्लड बनाने में फायदा हुआ है, उतना ही चीज पर बात करना है, चढ़ा बढ़ा करके नहीं बात करना है। और जिसे हम 3 4 महीना प्रोडक्ट को कंटिन्यू खाते हैं, जिस तरह से हमको दीदी बताते हैं उस तरह से हम खाते हैं, और जब खाते हैं तो हमको जो 10 साल में हमको नहीं इंग्लिश दवा से रिजल्ट मिला था, वो हमको 4 महीना में मिल गया। और जब मिलता है तो इसमें दीदी हमको बता दी थी इसमें पैसा भी आता है, और जब पैसा का कमाने का हमको समय आता है तो पूरा हम दीदी के पास, दीदी को हम एकदम परेशान कर देते हैं कि दीदी अब आगे हमको रास्ता बताइए, इसमें किस तरह से पैसा आता है, कैसे हम करेंगे कि हम मेरा पैसा आएगा, मेरा गरीबी खत्म होगा, जिस तरह से आपका जीवन बदल रहा है दी, उस तरह से मेरा भी जीवन बदलना है, मेरा भी 2 लड़का है, हम ही नहीं चाहते हैं या जिस तरह से हम गरीबी में मर रहे हैं, गरीबी में मेरा जीवन कट रहा है, उस तरह से अपना बच्चा को हम जीवन नहीं देना देना सकते हैं, हम नहीं देने का कोशिश करेंगे, आप हमको रास्ता बताइए, हम वो रास्ता पर चलने के लिए तैयार है। और दीदी भैया बताती है कि जो फायदा हुआ है वह फायदा एक दूसरे को बताना है। अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिएगा तो आपके साथ आपका हो सकता है आपका हित नाथ भी छोड़ देंगे, हो सकता है आपका गोतिया पटीदार भी छोड़ देंगे, हो सकता है कि आपका गांव भर के लोग पूरा लोग आपको मना करेंगे, लेकिन उन लोग का बात नहीं सुनाई दे, सुनना है आपको, जिस तरह से हम बताएंगे उस तरह से आपको करना पड़ेगा। अगर इतना करने के लिए तैयार है तो हम आगे का रास्ता बताएंगे। बोलते हैं कि अगर आप दीदी हमको छोड़ दी, बता दीजिएगा कि शादी विवाह में नहीं जाना है, हम नहीं जाएंगे, आप जैसे जैसे बताइएगा उस तरह से हम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप हमको रास्ता बताइए, हमको गरीबी को जंजीर को तोड़ना है। और जब 4 महीना प्रोडक्ट को खाते हैं फायदा होता है तो दीदी बताती है कि अभी आपको और प्रोडक्ट खाना पड़ेगा, लेकिन आप गरीब व्यक्ति है, आपके पास पैसा नहीं, आप घरे से प्रोडक्ट खरीद के नहीं खा सकती है, पैसा लगा के नहीं खा सकती है, जो फायदा हुआ है एक दूसरे को बताइएगा तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट खाने पीने पर पैसा आने लगेगा, आप फ्री में भी प्रोडक्ट खा सकती है। तो कोई दीदी भैया भी सोचता है कि अगर फ्री में खाने का यहाँ पर रास्ता है तो बात करने में क्या जाता है, हम लोग तो दिन भर बना खा करके और एकर बात ओकर बात बतियाने में हम लोग समय पास कर देते हैं, लेकिन उस समय गरीब आदमी के लिए भी 24 घंटा का समय होता है, और अमीर आदमी के लिए भी 24 घंटा का समय होता है, लेकिन जो अमीर आदमी है सही सही रास्ता पर अपना समय को लगा करके अमीर बन जाते हैं, और जो गरीब आदमी है सिर्फ सोच के कारण गरीब रह जाते हैं। उस तरह से हमको नहीं करना था, इसलिए जैसे जैसे हमको दीदी बताए उस रास्ते पर हम चलते गए। और दीदी बताती है कि खुद से सोचिए दीदी, आप इतना साल 10 साल समूह में काम किए, आप यहाँ से आप कुछ भी नहीं, एक चम्मच भी नहीं खरीदने पाए, लेकिन यहाँ से जिस तरह से मेरा सपना पूरा हो रहा है उस तरह से यहाँ भी आपका हर सपना पूरा होगा। हम लोग यहाँ पर जितने दीदी भैया लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 2 प्रकार के भी सपना होता है, एक सपना होता है कि जो हम लोग सूत करके देखते हैं, और एक सपना होता है कि हम लोग आँख खोलते हैं तो पूरा सपना पर फोकस जाता है। तो हम लोग तो शाम को सूत के सपना देखने वाला हमको नहीं चाहिए था, स्वयं हमको आँख से देख करके जो सपना होता है, जो हम लोग का चाहत होता है, जो महिला लोग का सपना होता है, वो हमको जरूरी था, इसलिए हम दीदी को हर पल जहाँ हमको नहीं समझ में आता था वहां पूछते थे कि दीदी अब हमको बताइए आगे क्या करना है। और पूंजी के बात रहता है तो दीदी बताती है कि यहाँ आया 3 हजार से भी कर सकती है, 5 हजार से भी कर सकती है, 10 हजार से भी कर सकती है। अगर आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट रहेगा तो आपको टेंशन होगा, आप फील्ड में जाइएगा, लोगों से मिलिएगा, एकरा बारे में बताइएगा, और अगर आपके पास कम प्रोडक्ट रहेगा तो आप लापरवाही कीजिएगा, आप तो उतना प्रोडक्ट में, आप 3 हजार के प्रोडक्ट में आप खाइएगा कि एक दूसरे के बताइएगा। तो हम पूछते हैं कि 3 रास्ता आप बता रहे हैं दी, लेकिन 3 रास्ता में हमको एक सही रास्ता बताइए,
रास्ता से चल के हम गरीबी को धीरे धीरे करके हम गरीबी को मिटाना चाहते हैं और गरीबी को दूर करना चाहते हैं। दीदी बताती है कि अगर 10,000 के आप प्रोडक्ट रखिएगा तो आपके पास ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा आप बात कीजिएगा, ज्यादा आप लोगों से जाके मिलिएगा और बहुत जल्द आप आगे पैसा कमा सकती है। जितना भी शाम के समय 7 बजे मीटिंग होता है, आरबीसी का मीटिंग, जितने भी दीदी भैया लोग मीटिंग देते हैं, सफलता का एक ही रास्ता है जो कि 3500 PB। और फिर हम नहीं हार मानते हैं। कहा जाता है कि मान लिए तो हार और ठान लिए तो जीत होता है। हम हार के नहीं बैठे थे, अपने आप से डिसीजन लेके बैठे थे कि यहाँ से हमको गरीबी को जो जड़ होता है, गरीबी का जो दलदल होता है, गरीबी से हमको निकलना है, गरीबी में हमको नहीं रहना है। और फिर वहां से डिसीजन लेते हैं, फिर बहुत प्रयास करते हैं पैसा लाने का, क्योंकि हम गरीब व्यक्ति घर से थे। और कहा जाता है कि गरीब आदमी के पहचानने के भी लिए भी लोग भुला जाता है, और गरीब आदमी के कोई कर्जा देने के लिए भी लोग नहीं तैयार होता है। उसी साथ मेरे साथ भी हुआ, इधर उधर पैसा लगाते हैं, नहीं मिलता है, लेकिन मेरे साथ मेरा सपना था, मेरा जुनून लेंगे। और फिर बहुत प्रयास करते हैं, किसी तरह से हम पैसा लहा लेते हैं, समय तो लगता है, ऐसा बात नहीं था कि, क्योंकि हमारे जो फैमिली लोग है, मेरा मायके वाले है, वो गरीब व्यक्ति है। मेरा पिताजी कहा जाए तो वहां से भवनाथपुर से चल करके वो आते हैं बिल्धामगंज सोनभद्रा में, व्यापारी का मेरा पिताजी काम करते हैं, तो वहां से मेरा तो कोई पैसा के बात कहा जाए तो वहां से हम लोग पूरा फैमिली रहते थे, हमेशा हम अपना मायके रहते थे, तो वहां पर हमको पैसा नहीं मिलता था। और किसी तरह से 2 महीना समय लगता है, लेकिन हम 10,000 पैसा को व्यवस्था कर लेते हैं, पैसा लहा लेते हैं। और जब पैसा लहाते हैं तो सुमित भैया के खाता पर बैठा देते हैं, और जब बैठाते हैं तो सारा प्रोडक्ट को लेकर के आ जाते हैं हम अपने यहाँ। अभी कहा जाए भैया तो मेरे पास घर भी नहीं है, अच्छा खासा घर भी नहीं है। और जब हम दीदी मेरे यहाँ मीटिंग देने आती है तो दूसरे घर से हम मीटिंग कराना चालू करते हैं। जब दूसरे यहाँ से मीटिंग कराना चालू करते हैं तो कहा जाता है कि हर आदमी, कोई आदमी भी सोचता है कि आप गरीब है तो गरीबे रहिए, आपको बारे में कोई नहीं सोचता है। और वहां पर जैसे हम 1 महीना मीटिंग कराते हैं, वहां पर मेरा बहुत डिस्टर्ब होता है। जिसके घर में हम मीटिंग करा रहे थे, जिसके यहाँ मीटिंग हम कराना चालू किए थे, उस आदमी शराब पी करके हम लोग का बहुत बेइज्जती किया था, बहुत मतलब गाली गलौज बहुत अथी किया था, लेकिन उन लोग का बात हमको नहीं सुनाई दे रहा था। इसलिए कि आज आपका समय है, आज हमको गाली दे लीजिए, लेकिन एक दिन के समय ऐसा आएगा कि आपको मुंह को हम मोड़ देंगे। उसी दिन से शपथ लेते हैं, काम को करना चालू कर देते हैं। वहां से फिर मीटिंग अपने यहाँ लेकर के आते हैं, दूरा पर अपना मीटिंग कराते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी अच्छा घर नहीं है। जो मेरा गुरु है सुमित भैया, बसंती दी, रोशन सर, अरविंद सर मेरे यहाँ आ करके देख चुके हैं। अभी तो डीएक्शन के पैसा से हम दरवाजा भी लगा दिए हैं, लेकिन कहा जाता है तो मेरे यहाँ पर्दा रहता था, कोई हम मेरे यहाँ दरवाजा नहीं रहता था, हम लोग ऐसे रहते थे। और उसी भी जब मीटिंग कराना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा दीदी भैया लोग के लिए आने जाते थे। एगो दीदी आती है, प्रोडक्ट के बारे में बताती है, अगर यहाँ से आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिएगा तो यहाँ से आपका बीमारी खत्म होगा, और अगर दीदी को बात को 100% अगर पालन करते हैं तो यहाँ से जिस तरह से दीदी का मेरा जीवन बदल रहा है, आज खुद से सोचिए भैया दीदी लोग कि आज पढ़ल लिखल लोग हो करके रोड पर ताश पीट रहे हैं, पढ़ल लिखल लोग हो करके प्लांट में जा करके काम कर रहे हैं, और आज हमारे गुरु अनपढ़ है, और अनपढ़ हो करके जब दहाज आता है तो हम लोग खाना भी खाद रहते हैं, तो घर से जाते हैं देखने दहाज को कि किस तरह से दहाज है, हम लोग आंख से देखते हैं, लेकिन आज रियल में डीएक्शन में 100% जिंदगी बदलता है। यहाँ पर सपना दिखाया नहीं जाता है, यहाँ पर 100% सपना पूरा होता है। आज हमारे गुरु आज एक दिन के दिन था कि घर में से देखते थे, लेकिन आज गुरु का बात मानने का दिन है कि आज एरोप्लेन पर घूम रहे हैं। 3 साल तो दीदी अकेले गए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगला साल मेरा भी शपथ है कि अगला साल पूरा टीम को लेकर के हम भी जाएंगे, पूरा टीम के साथ हम भी मलेशिया जाएंगे। और उसी बीच होता का है, जब मीटिंग कराना हम चालू करते हैं तो बहुत सारा मेरे पास भी समस्या आता है। जब एगो पोस्ट होता है, स्टार जब हम बनते हैं तो मेरा लड़का का पैर भी टूट जाता है, मेरा बच्चा का पैर भी टूट जाता है, और उस समय हमको कोई नहीं सपोर्ट किए,
उस समय अपना माँ पिताजी के तरह हमको ला करके वो शांति दी। हम अपना बच्चा को लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं, और जब जाते हैं तो पूरा पैसा वैसा लगा करके पलस्तरा कराती है, खाने के लिए भी ला करके और देते हैं। और दीदी मेरे यहाँ हम लोग का माई बेटा के यहाँ हम लोग का घरे ला करके और छोड़ते हैं। उसी समय हम सोच लेते हैं कि गरीब आदमी का कहीं नहीं पहचान होता है, पैसा है तो दुनिया सलाम ठोकता है, और नहीं है तो आपको पहचानने के लिए भी लोग भुला जाता है। और जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा लोग मजाक उड़ाते हैं, जहां तक कि जो आदमी हमसे अच्छा बोलते थे वो आदमी भी हमसे बोलना छोड़ दिए, मतलब बोला चाली सब एकदम बंद कर देते हैं। कितना तक तक इतना आदमी छोड़ देता है, कितना शादी विवाह होता है। लेकिन आज 3 साल का दिन हो गया, जब जिंदगी बदलना रहता है दीदी, गरीबी को आप अगर तोड़ने के लिए तैयार है तो कुछ त्याग भी करना पड़ता है। और जब इस तरह से मेरा साथ होता है, फिर अपने आप को हम जीवन को धर्म मना लेते हैं, फिर सोचते हैं कि आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आने वाला समय में मैं जब मेरा यहाँ से जिंदगी बदल जाएगा तो उन लोग का आँख खुल जाएगा। फिर हम नहीं कुछ करते हैं, चारों कर से फोन आना बंद हो जाता है, गांव घर के लोग बोलते हैं कि आप नहीं करने पाइएगा, ये सब बड़े बड़े लोग काम करते हैं, जिसके पास काम नहीं रहता है वो कर सकते हैं, अगर आप बने मजदूरी नहीं कीजिएगा तो आपका बच्चा क्या चीज खाएगा। मैंने सलाह हमको बहुत देते थे, लेकिन कहा जाता है कि अगर उन लोग के बात आप मानिएगा तो जहाँ है वहीं आप जिंदगी भर सड़ के मर जाइएगा, आप आगे बढ़ने के बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं। जो आदमी अपने जिंदगी नहीं बदला है दीदी, वो आदमी से अगर हम सलाह लेने जाएंगे कि मेरा यहाँ से जिंदगी कैसे बदलेगा, मेरे यहाँ से गरीबी कैसे दूर होगा, मेरा बच्चा है बढ़िया स्कूल में, मेरा बच्चा का पढ़ाई कैसे होगा, तो आदमी कभी आपको सलाह नहीं देगा। कोई आदमी नहीं सोचता है कि हम आप गरीब है तो आप गरीबे रहिए, और हम अमीर है तो अमीरे रहिए। लेकिन डी एक्शन के भाई बहन रियल में फंसे हुए आदमी को हाथ धर के निकाल देते हैं। और उसी साथ मेरे साथ भी होता है, जब बताना स्टार्ट करते हैं तो कितना लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब, कितना लोग बोलते हैं चाय वाला, कितना लोग बोलते हैं साबुन वाला। फिर सोचते हैं कि जब मेरा गुरु का फील्ड में चलते थे, इस तरह से ताना सुनने के लिए मिलता था, तो आज हम चल रहे हैं तो हमको भी ताना सुनने के लिए मिलेगा। सिर्फ हमको ताना नहीं सुनना है सब दिन, सिर्फ 3 से 5 साल अगर हम इस ताना को सुन लेते हैं, सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, तो आने वाला समय में जितना मेरे साथ मजाक उड़ा है उन लोग का, मेरा शपथ है कि जब तक ले जोड़ेंगे नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं। आज भले हम लोग हम मेरा मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन आने वाला समय में आपका मुंह मोड़ देंगे हम, आपको जब तक ले हम जोड़ेंगे नहीं तब तक ले जीवन में कभी छोड़ेंगे नहीं। अभी भी इतना भी मेरा पैसा आता है तब पर भी लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत आलवा जालवा बोलते हैं, बहुत आलतू फालतू चीज बोलते हैं, लेकिन आज हम कमाने वाला के साथ में है, आज हम गुरु के साथ में है, आज हमको ज्ञान मिलता है, इसलिए उन लोग का बात नहीं हमको सुनाई देता है, सिर्फ हम बहरा सांप बन के काम करते हैं। और जब फील्ड में चलना स्टार्ट करते हैं दीदी, तो हमको रास्ता दिखा दी, प्रोडक्ट दे दी, हमको डी एक्शन में ला दी, और जब चलना स्टार्ट करते हैं मेरे साथ बहुत हमको बहुत सपोर्ट मिला है बसंती दी और सुमित भैया से। आज अगर हम कहा जाता है कि आपका भले सीनियर छोटा हो या बड़ा हो या पढ़ल हो या अनपढ़ हो, उससे मतलब नहीं रहता है तो सीनियर, अगर आज हमको बसंती दी मीटिंग में नहीं लाती, हमको ये रास्ता नहीं दिखाती, बिजनेस के बारे में नहीं समझाती, तो जो आप लोग के सामने हम बोल रहे हैं दीदी भैया लोग, वो हमको बोलने का मौका नहीं मिलता। तो कभी भी छोटा सीनियर होके या बड़ा सीनियर होके, पढ़ल सीनियर होके या अनपढ़ सीनियर होके, सीनियर को गुड मॉर्निंग जरूर बोलना है। अगर आपको रिश्ता में चाची लगता है, रिश्ता में मामी लगता है, अगर आप पैर नहीं छू सकती है तो दोनों हाथ जोड़ करके गुड मॉर्निंग जरूर बोल सकते हैं। इसलिए गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। आज अगर हमको दीदी मंजिल में नहीं लाते तो आज यहाँ पर हमको बोलने का मौका नहीं मिलता। और चलते गए आगे आगे हम जाते थे, पीछे पीछे हम लड़का को ले लेते थे, जहां तक कि गांव घर वाला इतना हमको टॉर्चर देते थे, बोलते थे कि तो बिगड़ले थी लेकिन आप अपना बच्चा को भी भविष्य खराब कर दिए, पढ़ल लिखल लड़का को चाय बेचने लेकर के जा रही है, यहाँ तो मेरा नाक कट जा रहा है। और कहा जाता है तो अमीर आदमी के पास पैसा कमाने का हजारों को रास्ता होता है, लेकिन गरीब आदमी के पास पैसा कमाने का रास्ता सिर्फ है एक ही, जिसका नाम है ओनली फॉर डी एक्शन। डी एक्शन के लिए फिर से मैं सत सत नमन और प्रणाम करती हूँ कि वो रास्ता हमको मिल चुका था,
और बात करना जब स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग हमको मजाक उड़ाया, जहां तक कि बोलते थे कि डॉक्टर साहब आज कितना का प्रोडक्ट बिका, लेकिन हम शर्म के मारे बोलते थे, जब मेरा प्रोडक्ट बिकता था तब और नहीं बिकता था तब, हम शर्म के मारे बोलते थे कि 500 के बिका है, 1,000 रुपया के बिका है। जिस दिन हम फील्ड में चल जाते हैं उस दिन 1,000 के प्रोडक्ट बेच के लाते हैं, हम लोगों को बताते हैं, बात करते हैं, मेरा प्रोडक्ट बिकता है, मेरा प्रोडक्ट आलवा जलवा नहीं है, मेरा प्रोडक्ट अमृत है। अब आगे बताइए, आप लोग पैसा कमाते हैं तो क्या आप लोग यहाँ रोड पर छा अति छा पसार करके नहीं दिखाते हैं, छान करके नहीं दिखाते हैं? अगर आपको देखना है कि इसमें कैसे कैसे पैसा आता है, किस तरह से आता है, तो आपको मीटिंग में चलना पड़ेगा। वहां पर जिस तरह से जैसे हमको लोग बोलते थे, उस तरह से उन लोग का धीरे 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 जब जवाब मिलने लगता था तो उन लोग चुपचाप हो जाते थे। और कहा जाता है कि पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अगर आपको जिंदगी बदलना है दीदी, तो जो अगर मान लीजिए कि हम लोग के खाने बनाने का आवश्यकता आता है, तो हम लोग शुरू से नहीं बनाने सीखते हैं। अगर हम लोग रोटी बनाते हैं तो कितना पाकिस्तान का नक्शा हो जाता है, कितना जापान का नक्शा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग प्रयास करते हैं तो पूरा हम लोग का रोटी गोल होता है कि नहीं। उसी तरह से डीएक्शन बिजनेस है, गलती होगा लेकिन गलती को दोहराना नहीं है। गलती को जिस तरह से गुरु बताएंगे उस तरह से वहां से गलती को मोड़ लेना है। और उसी तरह से मेरे साथ भी होता है, क्योंकि हम शुरुआत में हमको मिला था तो बिजनेस मिला था और कंपनी मिला था, तो हमको डीएक्शन से मुलाकात हुआ था। हम कोई कंपनी में नहीं काम किए थे, कंपनी के हम नामे नहीं जानते थे, बीमार पड़ते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, दवा सुई होता था, खाते पीते थे, कुछ दिन सही रहते थे, फिर बीमार पड़ते थे, डॉक्टर साहब के जाते थे, लेकिन हम प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में नहीं कुछ जानते थे। लेकिन जो कहा जाता है कि जैसन संगत वैसन रंगत होता है, संगत का भी असर पड़ता है। अगर आप चोर के साथ रहिएगा तो आप भी चोर बन सकते हैं। अगर आप पैसा कमाने वाला के साथ में रहिएगा तो आपको भी पैसा कमाने का रास्ता मिल जाता है। यहाँ पर तो हम जिसका मेरा संगत है वो 3 लाख 2 लाख रुपया कमाने वाला के संगत है, तो कितना हमको कोई कंपनी वाला आ जाएगा भैया, कितना हमको लालची दिखाएगा, लेकिन संगीता देवी डोलने वाली नहीं है, हिलने वाली नहीं है। बहुत सारा जब हम डीएक्शन में काम करने के लिए स्टार्ट किए तो बहुत सारा कंपनी आया, लेकिन कंपनी को हम यही एक बात बोल बोल के हटा दिए कि अगर आपका प्रोडक्ट में दम होगा तो हम, मेरे पास भी स्पायरोलिना है, आपके पास भी स्पायरोलिना है, अगर आपका प्रोडक्ट नेचुरल होगा तो आप एक डब्बा खा करके दिखाइए, उसी दिन आपके नीचे हम ज्वाइनिंग करा करके कार्ड बनवा करके काम करेंगे, और मेरा प्रोडक्ट नेचुरल है, आप इसका दाम जितना है उतना भरिए, और हम एक डब्बा आपको प्रोडक्ट खिला करके खा करके दिखाते हैं। वहां पर लोग डर जाता है क्योंकि उन लोग का प्रोडक्ट में केमिकल रहता है, वहां पर गिन गिन के खाया जाता है, लेकिन डीएक्शन प्रोडक्ट अनगिनती खाया जाता है। आपका जेब में जितना पैसा है उतना प्रोडक्ट को आप खा पी सकते हैं। आज जब फील्ड में काम करना चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो मेरा बात सुनने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं होता था, एक भी साबुन नहीं बिकता था, और वहां से निराश होकर के आते थे, तो मेरा एक आदत था क्योंकि हमको इसमें पैसा कमाना था, तो हमको रोज दिन हम फोन लगाते थे बसंती दी, सुमित भैया के पास, रोशन भैया के पास, और उन लोग हमको एक ही बात समझाते थे कि खुद से सोचिए दीदी कि आपको 2018 में मिला था डीएक्स, लेकिन आप समझी थी 2020 में। आप जब 2020 में समझी है दीदी, 2 साल के बाद, तक आप किसी को एक बार में समझा सकते हैं कि ना सुनने का बिजनेस है। अगर आप इन ना बात से जिस दिन प्यार करने लगिएगा, उस दिन आपका बात सुनने के लिए लोग टिकट कटा करके बैठेंगे। आप प्रोडक्ट को पुराने नहीं पाइएगा, आज आपसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में इतना लेंगे कि आप पुरावत पुरावत थक जाइएगा। और हकीकत में जो जैसे जैसे मेरे गुरु बताए वह बात को हम फॉलो किए, और उन लोग का बात पर, वह रास्ता पर हम चलने का प्रयास किए, और आज भी चलते हैं। आज जितना दिन मेरा जीवन रहेगा उतना दिन चलेंगे, और चलते गए, और 2-3 महीना जैसे हुआ, उस समय हम, मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं था, हम नहीं सीखते थे, हम में कमी था, हमको बताने नहीं आ रहा था। प्रोडक्ट में तो मेरा जादू है, प्रोडक्ट मेरा अमृत है, लेकिन उस समय शुरुआत में कहा जाता है कि सीखने में समय लगता है, उस समय हम नहीं सीखे थे, एक बारे में अच्छे तरीका से नहीं जानकारी था, इसलिए मेरे बात पर लोग विश्वास नहीं करते थे। और कहा जाता है कि आम में मजर लगता है, लेकिन कितना आम झड़ जाता है हवा के माध्यम से, कितना लोग तोड़ लेते हैं अचार लगाने के लिए, लेकिन जो आम टिकता है वही मार्केट में बिकता है।
यहाँ टीके रहने का जरूरी है। अगर आप दुख सुख सह करके आप अगर डी एक्शन में आ गए हैं दीदी भैया, यहाँ नाम लिखवाने से कुछ नहीं होता है, यहाँ सिस्टम बनाने से सब कुछ होता है। सिस्टम को पालन करने से सब चीज होता है, सिस्टम को पूजा करने से सब चीज होता है। अगर आप स्कूल में नाम लिखवा करके आप अगर घरे रोज बैठिएगा तो मास्टर साहब आपको घरे पढ़ाने नहीं आएंगे। अगर आप डी एक्शन में नाम लिखवा लिए हैं तो आपको रोज मीटिंग में जाना पड़ेगा, रोज मीटिंग में जुड़ना पड़ेगा। जिस तरह से उन लोग बताएंगे उन लोग का बात का 100% पालन करना पड़ेगा, तब डी एक्शन में जिंदगी बदलता है। कितना लोग बोलते हैं डी एक्शन में भी कितना लोग आ करके छोड़ दिए, तो क्या प्रोडक्ट में कमी है, सीनियर में कमी है, गुरु में कमी है, सिस्टम में कमी है, कोई चीज में कमी नहीं है। अपने आप कमी को सुधार कीजिए और यहाँ से आप आगे बढ़ सकती है। और जब बताना स्टार्ट करते हैं तो मेरे साथ भी बहुत समस्या आया, और किसी के कहने से हमें बिजनेस में नहीं आए हैं, अपना माइंड सेट क्लियर करके आए हैं। यहाँ हमको यही पता चलता है कि पैसे इनकम क्या चीज होता है और एक्टिव इनकम क्या चीज होता है। जब हम समूह में काम कर रहे थे तो हम एक्टिव इनकम में थे, इसलिए कि जितना दिन हम समूह में काम करते उतना दिन पैसा मिलता, लेकिन जिस दिन मेरा हाथ पाँव थक जाता उस दिन क्या हम वहां से 1 रुपया कमाने लायक होते? नहीं होते। और जो हम डी एक्शन में हमको रियल में ही दिखाई देता है कि डी एक्शन में यहाँ पैसे इनकम होता है। यहाँ सिस्टम अगर हम बना करके अगर मर भी जाते हैं तो जो पोस्ट हम छोड़ के मरेंगे वह पोस्ट पर मेरा बाल बच्चा राज करेगा। आज हम लोग कर रहे हैं अपने लिए नहीं डी एक्शन कर रहे हैं, अपना बच्चों के लिए डिएक्शन कर रहे हैं। खुद से सोचिए दीदी कि आज 40 साल 50 साल पूरत ले कितना लोग चल जा रहे हैं, कितना लोग का मौत हो जा रहा है, लेकिन आप अगर कुछ अगर अपना बच्चा को भविष्य नहीं बना के जाइएगा, अपना बच्चा का इनकम नहीं छोड़ के जाइएगा, तो क्या आपको मर जाने के बाद भी आपको दरे दर आत्मा जो है वो भटकते रहेगा? आपको मर जाने के बाद भी आप 10 गो गाली सुनिएगा? वैसा काम करने से अच्छा है कि जब डी एक्शन में आ गए हैं तो हर दीदी भैया लोग से यही मेरा हम मैसेज देना चाहते हैं कि नाम लिखवा करके चुपचाप मत बैठिए। जिस तरह से गुरु बता रहे हैं उस तरह से बातों का पालन कीजिए, यहाँ से रियल में जिंदगी बदलता है। यहाँ में जिस तरह से अगर गुरु बताते हैं 100% अगर बातों को मानिएगा तो यहाँ पे गारंटी के साथ जिंदगी बदलता है। ना तो प्रोडक्ट में कमी है, ना सीनियर में कमी है, ना सिस्टम में कमी है, ना कंपनी में कमी है। अपने आप को कमी को सुधार के अब इसमें जिस तरह से बताया जाता है उस तरह से काम करने के लिए तैयार हो जाइए। और बोनस के बारे में बात किया जाए, पहले तो हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए थे तो हमको ये भी नहीं पता था दीदी भैया लोग, जिस तरह से सभी लोग जितना भी हम लोग भाई बहनी मीटिंग को सुन रहे हैं, जितना भी हम लोग इलाज कराए थे, का इलाज कराने से कहाँ से 1 रुपया पैसा आता है? नहीं आता है। लेकिन सिर्फ इसमें हम पहली बार प्रोडक्ट को लेकर के खाए थे तो हमको 137 रुपया आया था। अब कहा जाता है कि 137 रुपया दे करके हमारे घर में बहुत लोग विरोध किए, बहुत लोग मना किए, जहां तक कि हमको हस्बैंड तो हमको डी एक्शन में ला दिए थे, लेकिन जब 137 रुपया का बोनस देखते हैं तो पूरा मारपीट एकदम चालू हो जाता है। कहा जाता है कि अगर हस्बैंड के मार से अगर एक दिन के मार आप दूज आप बर्दाश्त कर लीजिएगा दी, तो 5 साल के अंतर्गत यहाँ तो आज इतना बढ़िया सिस्टम है कि 1 साल जा जाते आपको 1 लाख का इनकम आएगा, लेकिन कहने से नहीं आता है, करना पड़ता है। गुरु जैसे जिसे बताएंगे उस तरह से कीजिएगा तो यहाँ पर आता है, लेकिन जैसे इसमें 137 रुपया का बोनस आता है वैसे हमारे हस्बैंड देखते हैं तो पूरा बका जाते हैं, पूरा फोन ऑन करके मायके भी कहते हैं, इधर उधर कहते हैं, हमारे हस्बैंड भी मना करते हैं, जो मेरा मम्मी पापा लोग है वो भी मना करते हैं कि ऐसा काम छोड़ दो, आप अगर कहा बनी मजदूरी भी करते हैं तो आपको 4 हजार 5 हजार रुपया मिलता, लेकिन आप 1 महीना दूरे दूरे जा करके बताए तो 137 रुपया आया। लेकिन कम पैसा को अपने दिल से लगा लीजिएगा तो जो पहला बोनस होता है वो बरगद का बीज रहता है। अगर वो बिया को कनो जमीन में एक जगह लगा दीजिएगा तो 5 कट्ठा जमीन 5 कट्ठा हिस्सा उसी का हो जाता है। तो हमको तो विश्वास था कि जो 137 रुपया है आने वाला समय में इस 37 लाख में बदल जाएगा, लेकिन हमारे घर वाले के लोग के कोई का विश्वास नहीं था। और हमारे हस्बैंड बोलते थे कि आप भी काम किए, बेटा को लेकर के काम किए, और दोनों को पैसा मिला करके 137 रुपया आया है, वो देखने लायक है ना किसी को दिखाने लायक है, लेकिन हमको विश्वास था। फिर जैसे जैसे दीदी बताती है फिर फोन करते हैं,
फिर दीदी से पूछते हैं कि दीदी बताइए ये पैसा कैसे बढ़ेगा। दीदी बताती है कि और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ कहा जाता है भैया और दीदी की हमारे हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बच्चे लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कोई आपको नहीं सपोर्ट करेगा, इसलिए कि हस्बैंड हम लोग का सभी कोई का हस्बैंड बाहरी में जाते हैं तो 10-20 हजार रुपया कमाने का उन लोग के पास नॉलेज है, उन लोग के पास बुद्धि है, इसलिए उन लोग घमंड में रहते हैं। जिस दिन अपना हस्बैंड को आप बोनस को पार कर दीजिएगा, इनकम को पार कर दीजिएगा, उस दिन आपका हस्बैंड आपका बच्चा आपका मुट्ठी में हो जाएंगे। और जब 137 रुपया आता है तो और हम मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, और जब मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो दूसरा महीना में 1475 रुपया आता है, और जब 1475 रुपया आता है तब पर भी हमारे घर के फैमिली लोग का किसी का नहीं विश्वास होता है। उन लोग बोलते थे कि नहीं, इन लोग जाते हैं प्रोडक्ट बेच करके और पैसा लाते हैं और बोलते हैं कि नहीं डीएक्शन से पैसा आता है। फिर बहुत कोशिश की है, फिर बहुत हमको जब डीएक्शन में हम आए थे तो हमको समस्या इतना आया था, इतना समस्या आया था, बीच में मेरा लड़का मेरा जो आज मेरा साथ में जो मेरा लड़का है अंतेश कुमार, इसका पैर भी टूट जाता है, उधर इलाज होता है, उधर प्लास्टर होता है, वो अपना हम पैदी से पीवी भी बना लेते हैं, सिस्टम नहीं टूटते हैं, क्योंकि सिस्टम को पूजा करेंगे तो बहुत दूर जाएंगे, सिस्टम से चलेंगे करेंगे सिस्टम से रहेंगे तो बहुत सारा सपना पूरा हो सकता है, और सिस्टम को तोड़ेंगे तो यहाँ से 1 रुपया लायक नहीं रहेंगे। हमको लायक बनना था, हमको नालायक नहीं बनना था। और दूसरा महीना में 1400 आता है, तीसरा महीना में 2600 आता है, और इसी करके कभी 5000 कभी 6000, और जब एगो रूबी का पोस्ट होता है जब हम रूबी बनते हैं तो 25000 रुपया आता है, और जब 25000 रुपया आता है तब हमारे हस्बैंड सोचते हैं कि नहीं रियल में डीएक्शन से पैसा आता है। और जब धीरे धीरे टीम बनना चालू होता है तो देखिए अगर आप के पास साधन नहीं है, आपके पास बाइक नहीं है, तो आप गांव घर के अलावा आप 5 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अलावा आप दूर नहीं जा सकती है। जब टीम बनना चालू होता है तो फिर हम लोग सलाह लेते हैं कि नहीं अब हम लोग का एगो बाइक लेने का जरूरी है, क्योंकि मेरा शादी हुआ था तो उस समय हमको कुछ नहीं मिला था, उस समय हमको साइकिल और ये रेडियो गाड़ी कहता है वह चीज मिला था, और 11000 हमारे हस्बैंड को तिलक मिला था, इसलिए मेरे पास गाड़ी नहीं था। और हमारे जो बच्चा थे जब दूसरा घर बाइक मांगने जाता था, एक दिन के दिन में मेरा ऐसा जिंदगी था दीदी कि मेरा बच्चा दूसरा के दूरा पर से रो रो करके आता था, लेकिन हम शपथ लिए थे, हम कसम खाए थे कि बेटा हमको साथ आप दे दीजिएगा, आप एजेंसी में जा करके जवन बाइक पर आप हाथ रख दीजिएगा वह आपको न्यू बाइक लेकर के देंगे, लेकिन हमको सपोर्ट का जरूरी है। और जब 25000 पैसा आता है तो हमारा बच्चा भी पूरा तरह से सपोर्ट करने लगते हैं, हमारे हस्बैंड का सपोर्ट मिलने लगता है, मेरा लड़किया है लड़किया के भी सपोर्ट मिलने लगता है। जब पैसा आता है दीदी भैया लोग तो पूरा आदमी बदल जाता है। कहा जाता है कि पैसा रहता है तो सब कोई पहचानता है, पैसा नहीं रहता है तो कोई नहीं पहचानता है। जब पैसा आना चालू हुआ तो धीरे धीरे लोग का फोन भी आना चालू हुआ, और जब 25000 आता है तो हम हस्बैंड से सलाह लेते हैं कि नहीं इतना पैसा आया है और कुछ पैसा हम लोग लहा करके और एगो हम लोग का बाइक का जरूरी है। और जब एजेंसी में जाते हैं तो हमारे हस्बैंड पैसा महीना महीना आता था, तब पर भी कभी कभी कहा जाता है कि जैसन संगे आप रहिएगा वैसने ज्ञान भी मिलता है। अगर अब गांव घर में हम लोग जाते हैं कहीं प्रोडक्ट के बारे में बताने, कहीं गरीबी के बारे में बताने, एक दूसरे के भलाई करने के बारे में हम लोग सोचते हैं, लेकिन गांव घर के आदमी का उल्टिया सोच रहता है, अपना बेटी बहन पर कोई नहीं लोग परवाह करता है लेकिन दूसरा के बेटी बहन पर लोग बहुत ज्यादा परवाह करता है। उसी तरह से हमारे हस्बैंड को मरचाई लगा देते थे, फालतू फालतू चीज बोल देते थे, तो बीच में बहुत डिस्टर्ब करते थे। और जब हम लोग एजेंसी में जाते हैं 30000 रुपया लेकर के, तो उस दिन हमारे हस्बैंड बोलते हैं कि नया गाड़ी नहीं लेंगे। कहा जाता है कि जिसका हम लोग शुरुआत में तो सपना देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन जब पैसा हम लोग का इनकम आना जब इनकम हम लोग का छोटा होता है तो सपना को पूरा हम लोग धीरे धीरे करके सिकुड़ देते हैं, पूरा सपना को हम लोग मार देते हैं। उसी तरह से जब मेरा प्लान से पैसा आता था 10000 रुपया, तो हम लोग सपना क्या, हम लोग के कहा जाए तो हम लोग अच्छा खाना भी नहीं खाते थे, अच्छा कपड़ा भी नहीं पहनते थे, मेरा कहीं नहीं पहचान था, मेरा बच्चा के कोई नहीं पहचानता था, लेकिन आज के समय में कहा जाए तो मेरा बच्चा के गार्जियन के रूप में मान जी।
बीच होता है, जब एजेंसी में जाते हैं तो वहां पर हमको डिस्टर्ब होता है, लेकिन डिस्टर्ब से हम नहीं आंख बकाते हैं, वहां पर हम लेते हैं न्यू बाइक। और बाइक कसवाने के दिन हमारे गुरु सुमित भैया, बसंती दी और रोशन भैया खड़ा होकर के बाइक कसवाते हैं, बाइक लेते हैं, बाइक लेकर के हम लोग घरे आते हैं। और जब घरे आते हैं तो हम लोग का मीटिंग कहाँ ही लगता था, तो हमारे हस्बैंड गड़िया लेकर के फरहार हो जाते थे। बहुत अब बहुत बीच बीच में बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन डिस्टर्ब से हम नहीं अक बकाया, क्योंकि हर आदमी जब यह रास्ता से चल के सफल हुए हैं, तो आज हम भी कर रहे हैं दीदी भैया लोग, तो हमको भी दिक्कत परेशानी आएगा, उसके लिए हम नहीं अक बकाया। पहला सपना डी एक्शन से मेरा पूरा होता है कि मेरे घर में बाइक नहीं था, बाइक आता है। और दूसरा सपना पूरा होता है कि हम छोटा मोबाइल से बिजनेस को स्टार्ट किए थे। जब पढ़ल लिखल दीदी लोग बड़ा मोबाइल लेते थे, बड़ा फोन चलाते थे, तो हम सोचते थे कि हमको हिंदी के सिवा इंग्लिश हम नहीं पहचानते हैं, जो इंग्लिश जिसको पढ़ने लिखने आता है वही दीदी भैया लोग बड़ा मोबाइल चलाते होंगे। लेकिन नहीं, डी एक्शन से हम 13,000 के मोबाइल लेते हैं, कुछ दिन चलाते हैं, बढ़िया सीखबो नहीं किए, हमको भुला जाता है, फिर लेते हैं डी एक्शन के पैसा से 13,500 के मोबाइल। फिर अगर जो मेरा लड़का के पास मोबाइल है वो 30,000 का मोबाइल है। और जो मेरा चौथा सपना पूरा होता है कि मेरे यहाँ अच्छा है, वो चारपाई भी नहीं था, 20,000 के चौकी टेबुल कुर्सी करके 20,000 के लाते हम डी एक्शन के पैसा से। और मेरे यहाँ जब लाइन कट जाता था तो बहुत दिक्कत होता था, दूसरे यहाँ हमको चार्ज करने के लिए बहुत दिक्कत होता था, जाना पड़ता था। और डी एक्शन के पैसा से 60,000 के इन्वर्टर और बैटरी लिए है। यहाँ से हमारा गुरु का लगभग में 10,000 का 10 लाख का सपना पूरा हुआ है डी एक्शन का पैसा से। तो डी एक्शन में लगभग में जब मेरा गुरु का उतना का सपना पूरा हुआ है, तो उतना का सपना तो अभी मेरा नहीं पूरा हुआ है, लेकिन सपना पूरा करने के लाइन में हम भी लग चुके हैं। यहाँ से मेरा सपना पूरा हुआ है, लगभग में 2 लाख का मेरा सपना पूरा हुआ है। और अभी जो मेरा इनकम है वो अभी हमारा इनकम है 40,000 रुपये आता है, और जितना आता है उतना भी हम बता रहे हैं। अभी इस मिशन में हम 3 साल के बच्चे हैं, क्योंकि ऐसे उम्र में हमको 20 साल 30 साल भले हो गया होगा, लेकिन डी एक्शन में हम 3 साल का बच्चा है, जितना भी हमको आ रहा है उतना हम बता रहे हैं भैया। और हाँ बिल्कुल जो मेरे आगे का लक्ष्य है, अभी तो 2023 खत्म, लास्ट अभी 1-2 महीना समय बचा है, 2023 लास्ट खत्म होते ले मेरा सपना है खुद का 1 लाख का बोनस होगा। और अगले जो हम लोग अगले अगर मलेशिया अगर हम लोग का जाना होगा, तो यहाँ से अपना टीम को हम टीम के साथे जाएंगे। और 2023 में मेरा सपना है कि अपन फरन में हम 2 गो को डायमंड निकालेंगे। और मेरा जो आगे का लक्ष्य है, अभी मेरे पास घर है या नहीं है हम टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ कोयला के खदान में नहीं बैठे हैं, हम सोना के खदान में बैठे हैं। अभी हम मेरा सपना है कि जिस दिन हम घर बनाएंगे उस दिन चमक बहुत खूबसूरत घर बनाएंगे, बहुत अच्छा घर बनाएंगे। और मेरा जो घर होगा वो 1-2 साल के अंदर में, मेरा हम जो घर बनाएंगे 2 साल 3 साल के अंदर में, जो मेरा घर होगा कहीं भी हम बनाएंगे, तो मेरा घर डी एक्शन का पैसा से 1 करोड़ का होगा। और जो मेरा अगला लक्ष्य है धनतेरस में, वो मेरा अगला लक्ष्य है लैपटॉप लेने का। और मेरा एगो लड़कियां है बहुत परेशान करती है, उसको आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। जब हम लैपटॉप ले लेंगे तब हमको सपना है एक स्कूटी लेने का फिलहाल में, और घर बनाने से पहले, क्योंकि अभी बिजनेस को हमको हथियार चाहिए, हमको बिजनेस करने के लिए जो जो चाहत होता है, जो जो सामान होता है वो बिजनेस वाला सामान हमको पूरा खरीदना है। और घर बनाने से पहले 2 साल के अंदर जो मेरा कार होगा, खुद सपनों का कार होगा, वो 15 लाख का कार लेंगे। और जो मेरा अगला का सपना है 10 साल का अंदर, मेरे टीम में 20 दीदी भैया लोग क्राउन बेस्टर रहेंगे 20-20 लाख इनकम के साथ। और आने वाला समय में 2035 होतले मेरा जो टीम रहेंगे वो 1 लाख का मेरा टीम रहेगा। जिस तरह से 200+ देश में मेरा बिजनेस चलता है, और किसी का टीम रहेगा तो एक आम महिला संगीता देवी का, मेरा टीम जो रहेगा वो 200+ देश में रहेगा। यह मेरा सपना है, हम सोच समझ कर डी एक्शन में आए हैं, छोटा मोटा सपना लेकर के नहीं आएंगे। और यहाँ से मेरा एक एक सपना, जब छोटा छोटा सपना पूरा हो चुका है, तो आने वाला समय में मेरा बड़ा भी सपना पूरा होगा। समाप्त। इसी के साथ आज का मीटिंग को हम समाप्त करते हैं। जो भी हमसे गलती हुआ होगा वो हमको माफ कीजिएगा। सभी दीदी भैया लोग को गुड मॉर्निंग।
बहुत ही क्या बोलूं, शब्द नहीं है आपका जो कहानी, एक प्रेरणादायक कहानी। तो ये है डीएक्शन का एक रियल स्टोरी। आपने काफी सारे मीटिंग्स, काफी सारी कंपनीज है, लेकिन जो डीएक्शन है, डीएक्शन की जो खूबसूरती मैं कहूँ वो यही है कि डीएक्शन किसी में भेदभाव नहीं करता। डीएक्शन सिर्फ सलाम करता है उन लोगों को जिनमें है जज्बा आगे बढ़ने का, जिनमें जज्बा है अपनी जिंदगी का बदलने का। और आप लोगों ने देखा, एक साधारण महिला, 550 रुपए कमाने वाली महिला आज 40 से 50 हजार रुपए कमा रही है और अपने सपनों को सजो रही है और उनको पूरा कर रही है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा बनी रहेगी कि आप इसी तरह आगे बढ़ते जाए, तरक्की करें, एक अच्छा गाड़ी ले, स्कूटी ले, फिर एक कार ले, एक सुंदर सा अपना डीएक्शन का एक घर बनाए और अपने बच्चों को और अपना जीवन को सफल बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए आज की सब एपिसोड से विदा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए स्पीकर के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो प्राउड, थैंक यू एंड थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। गुड मॉर्निंग सर। टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग को ऑफ करें। रवि, रवि हमारी क्लाइंट होते हैं।